गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टडी करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो भी फॉल्ट था उसको बोर्स एटॉमिक मॉडल में दूर करने का कोशिश किया गया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता था, लेकिन उसका कोई फिक्स पोजीशन उन्होंने नहीं बताया था और उसमें था कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते होल में गिर जाता था। उसको ये उस डिफेक्ट को इन्होंने दूर किया। तो हम लोग पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल का पॉस्टुलेट पढ़ेंगे, तब फिर रेडियस निकालने पड़ेंगे, फिर एनर्जी निकालने पड़ेंगे, ठीक है, फिर वेलोसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला पोस्टुलेट जो इन्होंने दिया था, पहला पोस्टुलेट था एटम। पहला पोस्टुलेट था एटम हैज ए न्यूक्लियस। क्या दिया था? एटम्स हैज ए न्यूक्लियस वेयर where all proton and neutron remains present. Atoms has a nucleus वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिमेन्स प्रेजेंट, ठीक है, ये दिया। और दिया कि एटम है जे न्यूक्लियस, मान लीजिए ये अगर एटम है जे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, यहाँ P+N है। और बड़ा बनाते हैं, फोटो में दिखना चाहिए। क्या दिया? एटम्स है जे, एटम तो दिखता नहीं है लेकिन यहाँ बनाना पड़ेगा फोटो बड़ा। एटम्स है जे न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो कहता है एटम्स है जे न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिमेन्स प्रेजेंट। द साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज क्या है? द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, very small as compared to atom। क्या कहता है? एटम हैज ए न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिमेन्स प्रेजेंट। The size of nucleus is very small as compared to atom, ठीक है। And nucleus present at their center of the atom. Center of the atom. Kata atoms has a nucleus where all protons and neutrons remains present. All protons and neutron remains present. The size of nucleus is very small as compared to atom, and nucleus present at the center of the atom. ये दिया इन्होंने postulate. अब है कि atom place पता था कि neutral है, electron जो है इसके तरफ क्या होगा, तब revolve करेगा इसके चारों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा ना। तो इसको दूसरा पॉइंट बनाते हैं, निगेटिवली चार्ज केमिकल स्पेसीज, है ना, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus. ठीक है, कैसे रिवॉल्व करता है? Negatively charged electron revolve around the nucleus. Nucleus के चारों ओर electron क्या करता है? Revolve करता है, ठीक है? Negatively charged electron revolve around the nucleus in circular path. अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो बाहर के तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अंदर के तरफ सेंट्रीफ्यूटल फोर्स लगेगा नहीं, तो क्या होगा तब? हो जाएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and electron, the force of attraction between nucleus and electron is equal to centrifugal force देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर के तरफ लग रहा है इधर, ये mv²r लगता है, ठीक है, और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूक्लियन के बीच, मान लीजिए प्रोटॉन पर z चार्ज है, z नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, तो z है, तो कूलम्बिक फोर्स जो होगा z 1/4πε z kq1q2/r² होता है, तो यहाँ kq1q2/r², तो यहाँ z e ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो mv² r लगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसी को कहता है कोलम्बिक फोर्स, कोलम्बिक फोर्स। ये क्या लगेगा कि ZE² / R² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा ये लगेगा mv² / r। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि दोनों इक्वल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या हो जाएगा कि ZE² / R² = mv² / r। ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, इसका यूज करेंगे हम लोग आगे भी। तो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² / r लगा नहीं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अगला पॉस्टुलेट लिखेंगे। देखिए अगला पॉस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ h/2π। तो न्यूक्लियस में कहता है न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कहता है ये उसी में करता है जो इंटीग्रल मल्टीपुल हो, ये नहीं कि बीच में नहीं कर रहा है, नहीं समझे। तो इसका मतलब हुआ इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ h/2π, वेयर h क्या है, वेयर h है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ h/2π, यानी क्या होगा, ये घूमेगा h/2π में, 2h/2π में, 3h/2π में, ... नॉट revolving 1.5h/2π, 2.5h/2π and ... ये रिवॉल्व इसमें करेगा, रिवॉल्व इन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम mvr इज इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ h/2π। तो h/2π यानी क्या हो गया, h तो प्लैंक कांस्टेंट है, इंटीग्रल मल्टीपुल हो गया nh/2π, nh क्या होगा, यानी क्या हो गया mvr = nh/2π। ये पॉस्टुलेट का भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। वेयर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 1, 2, 3 ... ये होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में रिवॉल्व नहीं करेगा, इस बीच में रिवॉल्व नहीं करेगा। तो कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ h/2π। इसी को बोला जाता है क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, ठीक है। इसी को कहा जाता है the orbit in which electron revolve, are known as stationary orbit। क्या कहता है? द ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। ठीक हो गया, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। तब फिफ्थ लेते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड, तो ईच स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इसका नाम दे दिया KLMNO, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसी कोई एनर्जी लेवल कहता है। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट ये हुआ, कहता है ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर है तो इसको हम लोग ले लिए E1, E2, E3, E4, E5 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। नहीं तो सेल नंबर हो गया, ये ऑर्बिट जो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, और ये हो गया। तो E1 जो होता है, E1 लेस देन E2 लेस देन E3 लेस देन डॉट डॉट डॉट, ये होता है, ठीक है। तो क्या होगा? E2 माइनस E1 अल्सो लेस देन हो जाएगा E3 माइनस E2, ठीक है। नहीं, E2 माइनस E1, ग्रेटर हो जाएगा। हाँ, E1 कम है तो E2 माइनस E1 ग्रेटर देन E3 माइनस E2 ग्रेटर देन E4 माइनस E3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये आपको जानना है, ठीक है। एनर्जी जो है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जब आउटवार्ड के तरफ जाते हैं तो एनर्जी बढ़ते जाता है। E1 से ज़्यादा एनर्जी किसका है? E2 का है। E2 से ज़्यादा एनर्जी किसका है? E3, E4, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी होते जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट सेल का, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है रेस्पेक्ट टू सेकेंड, रेस्पेक्ट टू थर्ड, रेस्पेक्ट टू फोर्थ, रेस्पेक्ट टू फाइव। इसको K को 1 से भी डिनोट करते हैं, फर्स्ट सेल हुआ। L को 2 से, M को 3 से, N को 4 से, O को 5 से, इस तरह से डॉट डॉट। ये माना जाता है कि इन्फिनाइट तक है सेल, ठीक है। ये हो गया मेरा फिफ्थ। ये अब है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इसमें नहीं हो पाएगा। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब सिक्स्थ नंबर लिखते हैं। अब देखिए, कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी गेन करेगा तब सेकेंड में मूव करेगा, सेकेंड में एनर्जी गेन करेगा तब थर्ड में मूव करेगा, ठीक है। तो जब एनर्जी गेन करके फर्स्ट से सेकेंड में जाता है तब इसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे मतलब एन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1 2 3 है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये है। ये क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ये मेरा क्या है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेल नंबर कितना हो गया इसका? 3 हो गया। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। इसी तरफ बढ़ते जाएंगे। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो वही कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट। ये इनर है, ये आउटर ऑर्बिट है, इनर टू आउटर ऑर्बिट। And when electron move from inner to outer orbit by absorbing energy, absorbing definite amount of energy, the new state of electron is said to be excited state. ये अब क्या कहलाएगा? Excited state कहलाएगा, ठीक है। एक definite amount of energy gain करके जब electron first orbit to second orbit jump करता है उसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया? सेकेंड सेल, सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया? थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन, जितना एक्साइटेड। उसके बाद फिर लास्ट पॉस्टुलेट है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट, मतलब या हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, या बोल सकते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, देन इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर हो, ये क्या होगा? एनर्जी रिलीज का केस होगा। एनर्जी रिलीज, इसमें क्या होगा? एक्साइटेड हो रहा है, एनर्जी, इस केस में एनर्जी क्या होगा? एनर्जी गेन करेगा। ये एनर्जी गेन करके ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। क्लियर हो गया? ये था बोर्स का एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स का एटॉमिक मॉडल में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े कि इस एटम्स हैज ए न्यूक्लियस वेयर all protons and neutrons remains present, size of nucleus is very less than atoms, size of nucleus is very less than size of atom। उसके बाद बोले negatively charged electron revolve around the nucleus in क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। नहीं, हम लोग जो पढ़े थे कि इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ NH/2π के में घूमता था। ऐसा नहीं है कि सब ऑर्बिट में नहीं घूमता, जैसे ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, बीच में नहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल दिए थे, ठीक है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल उसके बाद फिर दिया कि जिस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसको KLMN से डिनोट करते हैं। फिर स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी प्रेजेंट रहता है, इसको इसलिए उसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता था। तो हम लोग E1 E2 E3 से डिनोट किए थे। फिर आया कि इलेक्ट्रॉन अगर इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करता है तो उसको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। जिसे फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब होता है सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, सेकेंड एक्साइटेशन का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में या थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। उसी तरह ये तो एनर्जी गेन का केस हुआ। जब एनर्जी गेन करेगा तो जंप करेगा इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आउटर टू इनर ऑर्बिट में मूव करेगा तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। तो वही लिखे हैं इधर से इधर जब आउटर से इनर जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। वही लिख दिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर हायर टू इनर ऑर्बिट देन इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी। तो ये एनर्जी रिलीज का केस हुआ, वो एनर्जी गेन का केस हुआ। ये था पॉस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियस का कैलकुलेशन। ठीक है, रेडियस कैसे निकालेंगे एटम का रेडियस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स कैसे निकालते हैं, देखिए हम लोग पहले ही बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़े हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये mv²/r लगता है फोर्स, और यहाँ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये है नहीं तो क्या मानेंगे, लेट एन इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus. Let an electron revolve around the nucleus with velocity v and radius of orbit is r. Let an electron revolve around the nucleus with velocity v in quantized orbit whose radius is r and mass of electron is m and mass of electron is m. ठीक है, m according to Bohr's postulate क्या पढ़े थे हम लोग, force of attraction equal to centrifugal force, यही पढ़े थे। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या था, K z e² q1 q2/r²। q1 यहाँ पर z e होगा, Kz e²/r² इक्वल टू mv²/r। एक इक्वेशन ये हो गया। तो फ्रॉम बोर्स अनदर पॉस्टुलेट एंड and from बोर्स, या इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, आर से स्क्वायर कट गया, नहीं तो आर से स्क्वायर कट गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एम भी स्क्वायर आर, या इसको लिख सकते हैं एम भी आर इंटू भी, एम भी आर इंटू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर के टर्म में ही हमको जानना था, ठीक है, तो एम भी स्क्वायर बाय आर पर लिए, तो भी स्क्वायर रहने दीजिए। अब बोर्स according to Bohr's another postulates हम लोग क्या पढ़े थे, एम भी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाए, ये पढ़े थे हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, मान लीजिए ये मेरा सेकेंड हो गया। अगर एम भी आर का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, लेकिन हमको तो निकालना है रेडियस, नहीं तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं होगा, इसको ये रहने दीजिए, एम भी इस तरह से करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा एम भी स्क्वायर बाय आर बाय के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, आर आर तो कैंसिल हो गया, हो गया, तो इसको लिख सकते हैं एम भी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर बाय आर, इसको एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं और एम स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टू एम के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ये इक्वेशन रहने दीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एम भी आर एम भी इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई आर ले सकते हैं, नहीं एन एच बाय 2 पाई ले सकते हैं। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, इसका करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर भी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों इक्वल है, हम लोग लिख सकते हैं एम के जेड ई स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर आर कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए इसका ले लीजिए, इधर मिटाते हैं। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर इधर आ जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा आर इक्वल टू एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। नहीं हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका आर का वैल्यू। ठीक है, जब आर का वैल्यू हो गया तो हम लोग पुट करेंगे इसमें। देखिए हम लोग जो पुट करेंगे एंगस्ट्रम में लेते हैं, नहीं तो एन है एन स्क्वायर, एच का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। एच का वैल्यू क्या होता है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। ये सब का वैल्यू जानिए। h का वैल्यू होता है 6.62 इंटू और 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, बाय इसका स्क्वायर है बाय 4 पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3.14 का स्क्वायर। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻¹ के जी। एसआई यूनिट ले रहे हैं। के का वैल्यू जो होता है, के का वैल्यू एम रख दिए, एम का वैल्यू हो गया 9.1 इंटू 10⁻¹। के का वैल्यू जो होगा, के का वैल्यू जो होगा, के का वैल्यू होता है के का वैल्यू हम लोग लेते हैं 9 इंटू 10⁹ जेड तो जेड है। ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ का स्क्वायर। तो ये सब को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। आर का वैल्यू जो आ जाएगा 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। अब देखिए क्या क्या पुट किए। एच का वैल्यू पुट कर दिया 6.62 इंटू 10⁻¹⁹, ये सब जानना पड़ेगा आपको, 10⁻⁴ जूल सेकेंड। पाई का तो वैल्यू सब कोई जानते हैं 3.14 होता है। के का वैल्यू, एम का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, इसका तो वैल्यू याद है 1.9 10⁻¹ के जी। के का वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। के का वैल्यू पुट कर दिए। अब जेड तो है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। इसको सॉल्व करके इतना ही आता है, ये आपको वैल्यू याद रखना है, इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा सब। क्लियर हो गया, इस पर ही सारा न्यूमेरिकल हम लोग को बनाना है। तो 2-4 को न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दीबाजी में, तब फिर वेलोसिटी और रेडियस के लिए देखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ 3rd and 5th ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। तो सबसे पहले हम लोग आर बराबर क्या पढ़े थे, आर हीलियम आयन का 3rd ऑर्बिट के लिए निकालते हैं। फॉर थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर। n है थर्ड सेल नंबर, तो n हो गया n स्क्वायर बाय जेड लेते हैं, तो देखिए 0.529 n हो गया 3 स्क्वायर जेड हीलियम का कितना होता है 2। इसी तरह फॉर फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा आर, R5 ले लीजिए, R3 ले लीजिए, ये हो जाएगा 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। फॉर्मूला तो वही होगा हमेशा, इतना एंगस्ट्रम रहने दीजिए। तो 0.529 एन इसमें कितना है, फिफ्थ ऑर्बिट है, 5 स्क्वायर बाय 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं करेगा, इतना एंगस्ट्रम, इतना एंगस्ट्रम हो गया। अब कहता है रेशियो निकाल लें, R3 बाय R5 का रेशियो, तो क्या हो जाएगा 0.529 3 स्क्वायर बाय 2, 3 स्क्वायर बाय 2 बाय एंगस्ट्रम तो है ही 0.529 5 स्क्वायर बाय 2। ये कट गया, ये कट गया, तो R3 बाय R5 का रेशियो कितना हो गया 9 बाय 25, यानी 9:25 हो गया, नहीं 9:25। रेडियस भी सिर्फ निकालने देगा, ठीक है। और निकालिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द रेडियस रेशियो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, RH निकालना है, तो ये हो जाएगा 0.529 n, सेकेंड ऑर्बिट है तो n स्क्वायर बाय जेड तो होता ही है, तो 0.529 सेकेंड ऑर्बिट कर रहा है, तो 2 स्क्वायर जेड हाइड्रोजन का होता है 1, ये हो गया 0.529 इतना एंगस्ट्रम, तो 529 इंटू 4 एंगस्ट्रम हो गया। अब कहता है लिथियम प्लस प्लस का, R लिथियम प्लस प्लस का, तो 0.529 n क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, नहीं एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 स्क्वायर बाय, और थर्ड ऑर्बिट भी है 3 स्क्वायर और एटॉमिक नंबर भी 3, ये 3 कट गया, तो ये हो गया RH बाय R लिथियम प्लस प्लस क्या हो गया ये इतना एंगस्ट्रम 0.529 इंटू 4 बाय 0.529 इंटू 3, यही हो गया, तो ये हो गया 4:3 हो गया, नहीं हो गया कुछ था, सब तो कट जा रहा है, एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम क्या हो गया, यूनिट तो कट गया, यूनिट कट जाता है इसमें, ठीक है, ये है तो कट गया ये। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब दूसरा बनाते हैं। इसमें कुछ नहीं था, हाइड्रोजन का हम लोग रेडियस निकाल लिए सेकेंड ऑर्बिट के लिए, सेकेंड ऑर्बिट n हो गया 2, एटॉमिक नंबर 1। लिथियम के लिए थर्ड ऑर्बिट के लिए तो n हो गया 3, जेड तो लिथियम का 3, एटॉमिक नंबर तो याद रखना पड़ता है, ठीक है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए होता है कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स क्या हो गया, स्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन means electron present in third cell, in third orbit. नहीं, थर्ड ऑर्बिट मतलब एन हो गया थ्री, एन हो गया थ्री हाइड्रोजन के लिए है, जेड हो गया वन फॉर हाइड्रोजन, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड होता है एंगस्ट्रम, तो 0.529 एन हो गया थ्री स्क्वायर जेड हो गया वन, इतना एंगस्ट्रम, तो 0.529 रेशियो के कटाया नहीं कीजिएगा कभी भी, रहने दीजिएगा इसी फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में, फॉर लिथियम, फॉर लिथियम प्लस प्लस। नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स क्या हो जाता है सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, तो क्या हो गया एन बराबर हो गया 2, जेड बराबर हो गया 3 लिथियम का, तो आर लिथियम प्लस लिथियम का क्या हो गया आर लिथियम प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, तो 0.529 एन आई थ्री ए 2 स्क्वायर बाय 3, ये हो गया 0.529 4/3। अब रेडियस रेशियो निकालना है, रेडियस रेशियो किसका है आर एच बाय आर लिथियम प्लस प्लस, तो 0.529 इंटू 9 बाय 0.529 4/3, इसको लिख सकते हैं 4/3, तो ये कट ही गया, ये कितना हो गया आर एच बाय आर लिथियम आयन, ये ऊपर चला गया 27:4, यानी 27:4 हो गया, नहीं हो गया 27:4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग रेडियस का कैलकुलेशन कर लिए, रेडियस पे हम लोग नॉर्मल कंडीशन में और एक्साइटेड स्टेट में न्यूमेरिकल भी देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन, सेकेंड वेलोसिटी निकालने, एनर्जी निकालने, फिर इसका लिमिटेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े सिर्फ बोर्स पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग देखेंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड को लिंक भेज देंगे ताकि आपका फ्रेंड भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।